समांतर चतुर्भुज में समरूपता, क्या आयतों की समरूपता की कसौटियाँ समांतर चतुर्भुजों में समरूपता जांचने के लिए पर्याप्त होंगी? जाहिर है यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुजों के कोण बराबर नहीं होते। अतः हम एक और प्रमेय तक पहुँचते हैं, प्रमेय तीन। यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं, अतः ऐसे समांतर चतुर्भुज समरूप होते हैं। बच्चों, हम प्रमेय तीन पे बात करने जा रहे हैं। प्रमेय तीन दो समांतर चतुर्भुजों के बारे में बात करता है। ऐसे दो समांतर चतुर्भुज जिनके संगत कोण बराबर हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है और दूसरा समांतर चतुर्भुज PQRS है, और इन दोनों समांतर चतुर्भुजों में खासियत है कि इनके संगत कोण बराबर हैं, यानी कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R और कोण D बराबर कोण S है। ये हमें दिया हुआ है कि दोनों समांतर चतुर्भुजों के संगत कोण आपस में बराबर है। ऐसी स्थिति में हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों समानांतर चतुर्भुजों की संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, यानी AB और PQ का अनुपात बराबर BC और QR का अनुपात बराबर CD और RS का अनुपात बराबर DA और SP का अनुपात बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों समानांतर चतुर्भुजों में समरूपता है, यानी दोनों चतुर्भुज एक दूसरे के समरूप हैं। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का भी इस्तेमाल करना होगा, और त्रिभुजों की समरूपता का जो गुण है उसका भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आपने एक उदाहरण में देखा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा गुजरती है, दो अलग अलग बिंदुओं से शेष दो भुजाओं को काटती है, तो वो बिंदु जो दो खंड बनाते हैं भुजाओं के, वो आपस में समानुपाती होते हैं। यानी त्रिभुज SQP के बारे में आप देखें तो आप कह सकते हैं कि PQ और ABC यदि समांतर है तो SA' और ABC का अनुपात SB' और BQ के अनुपात में होगा। ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में आपने पाया है, और उस उदाहरण में आपने ये भी परिणाम प्राप्त किया था कि इनमें से कोई एक टुकड़ा या तो ये या ये इस पूरी भुजा के अनुपात के बराबर भी दूसरी तरफ अनुपात बनाता है। यानी इस पूरी भुजा को लें और उसके साथ इस एक टुकड़े को लें तो वो अनुपात इस पूरी भुजा और इस एक टुकड़े के अनुपात के बराबर होगा। यानी आप इस परिणाम पर भी पहुंच सकते हैं कि SP बटे SA' बराबर SQ बटे SB', ऐसा भी आपने एक उदाहरण में पाया है। तो इन सब परिणामों का मिला जुला उपयोग हम यहाँ पर करेंगे और देखेंगे क्या इन दोनों समांतर चतुर्भुजों के भुजाओं में भी एक निश्चित अनुपात है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ रचना करेंगे, और सबसे पहले ये जो बड़ा समानांतर चतुर्भुज आपके सामने दिख रहा है PQRS, उसमें S और Q को हम मिला देते हैं। तो SQ एक विकर्ण के रूप में हमें प्राप्त होता है, और यहाँ SP में एक बिंदु A' इस प्रकार लेते हैं कि SA' की लंबाई जो है वो DA के बराबर हो जाए। यानी इस भुजा के बराबर एक भुजा हम यहाँ पर लेते हैं, और ये जो कोण D बना है वैसा ही एक कोण यहाँ पर हम बनाते हैं A' पर, और इसे आगे बढ़ा देते हैं जो हमको B' पर SQ को मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये बराबर है और ये कोण बराबर है, तो इस तरह की रचना हुई। और ठीक इसी तरह से हम DC के बराबर यहाँ पर SC' लेते हैं, यानी C' एक ऐसे बिंदु को लेते हैं हम SR पे कि SC' DC के बराबर हो जाए। यानी हमने दो रचनाएँ की, SA' लिया जो इसके बराबर है, SC' लिया जो इसके बराबर है, और इसके बराबर के एक कोण हमने यहाँ पर बनाया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम इस समांतर चतुर्भुज के जैसा एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर रच लेते हैं, और वो नया समांतर चतुर्भुज होता है AB'C'S जो ठीक ठीक इसके सर्वांग सम है। इस तरह की रचना हमने कर ली। अब हम इस छोटे चतुर्भुज और इस बड़े चतुर्भुज की भुजाओं के बीच के संबंध को देखेंगे, और इनके भुजाओं के बीच जो अनुपात है वो देखेंगे, बाद में फिर इन भुजाओं को हम इन भुजाओं से रूपांतरित कर देंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण हमने एस को खींचा है उससे पूरा समांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया। एक तो त्रिभुज आप देख रहे हैं एस पी क्यू, ये आप देखिए एक त्रिभुज ये बना और दूसरा त्रिभुज बना एस क्यू आर। इस बड़े त्रिभुज में देखें आप एस पी क्यू और छोटे त्रिभुज एस ए डेस बी डेस में हम इनकी भुजाओं का अनुपात लेंगे तो हमको मिलेगा एस पी बटे एस ए डेस बराबर पी क्यू बटे ए डेस बी डेस बराबर एस क्यू बटे एस बी डेस। आप यहाँ पर सोच सकते हैं हमको कैसे मिला। आप देख रहे हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण दोनों त्रिभुजों में इस छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, इसलिए तीसरा जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। यानी इस छोटे त्रिभुज की तीनों कोण इस बड़े त्रिभुज के तीन संगत कोणों के बराबर हैं, यानी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और समरूप होने के कारण इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हमने इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं की तुलना की और हमने लिखा कि एस पी बटे एस एडेस बराबर पी क्यू बटे एडेस बी डेस और एस क्यू बटे एस बी डेस। तो ये हमको मान लीजिए कथन एक मिला। इसी तरह से आप त्रिभुज क्यू एस आर को देखिए या ये एस क्यू आर को देखिए। त्रिभुज एस क्यू आर में यहाँ आपको भी मिलेगा, फिर से एक बार देखिए बी डेस सी डेस क्यू आर के समानांतर है और इसलिए इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। और इस पूरे संदर्भ में भी आप कह सकते हैं कि एस क्यू का अनुपात एस बी डेस के साथ जो होगा वही अनुपात एस आर का एस सी डेस के साथ होगा। और ठीक इसी तरह से आप देखिए कि ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये जो कोण है वो दोनों त्रिभुजों में इस छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, इसलिए जो कोण होगा ये भी आपस में बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों के 180 अंश होता है। तो ये इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ है इसलिए ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज बी डेस एस सी डेस और जी क्यू एस आर, ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। और ऐसी परिस्थिति में आप लिख सकते हैं एस क्यू बटे एस बी डेस, एस क्यू बटे एस बी डेस। एस क्यू को आप एस बी डेस के साथ तुलना कर रहे हैं और फिर एस आर बटे एस सी डेस, एस आर बटे एस, एस आर बटे एस सी डेस और क्यू आर बटे बी डेस सी डेस, क्यू आर बटे बी डेस सी डेस। ये आपका कथन दो हुआ। दोनों कथनों में आप देखिए कि एक राशि एस क्यू बटे एस बी डेस यहाँ भी है और एस क्यू बटे एस बी डेस यहाँ पर भी है। ये भुजा से जो बन रहा है एस क्यू बटे एस बी डेस दोनों जगहों पर है, इसलिए एक और दो के आधार पर कह सकते हैं कि ये दोनों राशियाँ इन दोनों राशियों के बराबर हैं। तो इस कथन को आप यहाँ पर लिख लें तो आपको मिलेगा एक और दो से आपको मिल रहा है एस पी बटे एस ए डेस बराबर पी क्यू बटे ए डेस बी डेस बराबर एस आर बटे एस सी डेस बराबर क्यू आर बटे बी डेस सी डेस। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिली। और अब आप देखिए कि आपने इसके बराबर एक समांतर चतुर्भुज की रचना यहाँ पर की हुई थी, तो जो भुजाएं यहाँ पर ए डेस बी डेस, बी डेस सी डेस या एस डेस सी या एस ए डेस के रूप में लिखी हुई है उसको हम इस चतुर्भुज के भुजाओं के साथ रूपांतरित करेंगे। तो देखते जाइए एस पी यानी बड़ी वाली भुजा बटे एस ए डेस, एस ए डेस की जगह पर आप डी ए लिख सकते हैं, तो यही कथन आपको मिलेगा एस पी बटे डी ए या ए डी कह लें आप, डी ए बराबर पी क्यू बटे ए डेस बी डेस।
एडेस बिडेस जो है वो ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ए इसके बदले आप ए बी लिख सकते हैं। ये आपको मिला ए बी बराबर एस आर, एस आर इसके बदले आपको एस आर बटे एस सी डेस है, एस सी डेस यानि जो डी सी के बराबर है, तो यहाँ आप लिखिएगा डी सी बराबर क्यू आर बटे बी डेस सी डेस, बी डेस सी डेस जो है वो बी सी के बराबर है, तो ये आपको मिला बी सी। ये मान लीजिए इसको कथन तीन कह रहे हैं, ये कथन चार बना। इस कथन को आप गौर से देखिए, तो ये बताता है कि ये जो दो समानांतर चतुर्भुज आपने ए बी सी डी और पी क्यू आर एस लिए थे, उन्हीं की भुजाएं हैं। एस पी बटे डी ए, एस पी बटे डी ए, पी क्यू बटे, पी क्यू बटे ए बी, एस आर बटे डी सी, एस आर बटे डी सी और क्यू आर बटे बी सी, क्यू आर बटे बी सी। यानी आप यहाँ पर ये रिजल्ट पा रहे हैं, परिणाम पा रहे हैं कि इन दोनों समानांतर चतुर्भुजों की भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। और यही हमें सिद्ध करना था कि यदि दो समानांतर चतुर्भुज इस प्रकार के हैं कि उनकी उनके संगत कोण बराबर हैं, तो आपने देखा कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। और ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि ऐसे समानांतर चतुर्भुज जिनके संगत कोण बराबर हैं वे समरूप चतुर्भुज होते हैं, समरूप समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो बच्चों आपका ये प्रमेय सिद्ध होता है, आप इसे एक बार फिर से कोशिश करिए और देखिए कैसे बनता है।